कि मेरे बाल छोटे करवा लिए थे और बाल छोटे करवाने के बाद ये था कि बस अब ये बिल्कुल टोटली हमारे हाथ से निकल चुके वहाँ से मुझे जो इनकम हो जाती थी पर वीडियो पे ट्वेंटी टू थर्टी डॉलर उस पर जो व्यूज़ थे वो मिलियंस में थे जो लाइक्स थे वो मिलियंस में थे लेकिन उसमें जो कॉमेंट्स थे वो कॉमेंट्स ऐसे कि मैं अगर उनको आज भी पढ़ने बैठूँ तो मेरी आंखों में वो पढ़ते पढ़ते आंसू आते दस दिन फादर के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में ग्यारहवें दिन वो जा चुके थे उनका जो जाते जाते भी जो उनका कहना था अगर हमारे हौसले में दम है तो सपनों को ऊंची उड़ान भरने से कोई नहीं रुक सकता कमा गणिसा करनी, करनी। मैं रतन चौहान जयपुर राजस्थान से हूँ सन 1999 में, में मेरा जन्म हुआ एक राजपूत फैमिली से होने के नाते छोटे बाल रखना तो बहुत दूर की बात है घर में पैंट शर्ट तक नहीं पहनने दिया जाता बट मुझे देख सकते हैं एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से होने के नाते बड़े बड़े सपने उस वक्त नहीं थे पता था एक साधारण से परिवार से हूँ पढ़ाई करनी है जॉब लग जाएगी तो ठीक है अदरवाइज घर वाले शादी कर देंगे और शादी करने के बाद अपने आ, दूसरे घर वालों को संभालो कुछ ऐसा मेरा माइंडसेट बचपन से था धीरे धीरे बड़े होते गए स्कूल टाइम बहुत अच्छा निकला अच्छी परसेंटेज के साथ टेंथ और ट्वेल्थ मैंने क्लियर की पैसों की अहमियत तब मुझे समझ में आई जब पापा की नौकरी छूट चुकी थी रीज़न था कि उनकी तबीयत ख़राब रहती थी लंग्स डैमेज थे जॉब छूटी उनकी नौकरी छूटी जब हमें पता लगा कि पैसे की अहमियत क्या होती है धीरे धीरे टेंथ के बाद में ही मैंने मेरी फ़र्स्ट जॉब ली थी जिसमें मैंने जॉब किया था एक नॉर्मल शॉप पे, एक सेल्स वर्कर के रूप में मैंने वहाँ काम किया था और वहाँ मुझे जो सैलरी मिलती थी स्टार्टिंग की वो दो से तीन हज़ार रुपये हुआ करती थी जिसकी अहमियत मेरे लिए आज के टाइम को अगर मैं कंपेयर करूँ तो उस वक्त बहुत ज्यादा थी जब कॉलेज ज्वाइन किया कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में घर में ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि पापा की तरफ से ऐसा कोई उनकी तरफ से फुल्ली फोर्स नहीं थी मैं कि तुम्हें अगर कॉलेज ज्वाइन करना है तो करो अदरवाइज तुम घर में रह सकती हो क्योंकि बात यही आ जाती है कि तुम एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हो मैं यहाँ कास्ट को ज्यादा बीच में नहीं लेके आऊंगी क्योंकि आज लोगों के थॉट्स विचार बहुत ज्यादा बदले हैं और एक टाइम पे फादर के बदल चुके थे लेकिन आज उसका कोई मतलब नहीं है धीरे धीरे जब मैंने जॉब की जॉब करने के बाद में छोटा सा इनकम का सोर्स हुआ घर में इनकम का सोर्स होने के बाद में जब फैमिली इतनी बड़ी नहीं हो सकी थी कि फैमिली मुझ पर डिपेंड हो जाए लेकिन वो सीन भी बीच में क्रिएट हुआ फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने के बाद में जब स्टडी मैंने स्टार्ट करी उस वक्त जो कॉलेज की फीस होती थी उस फीस के लिए मैं सोचती थी कि मैं मेरे फादर से जाके पैसे मांगूँ मम्मी से मैं ले नहीं सकती बाकी फैमिली में ऐसा कोई मेम्बर नहीं था जिसको मैं जाके कहूँ कि मुझे स्टडी करनी है मुझे फ़ीस के पैसे चाहिए वहाँ आके मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो गया उस वक्त आ, फ्रेंड्स के बीच में आके मुझे कहीं से पता लगा कि टिकटॉक एक ऐप है टिकटॉक के नाम से पहले जा, जाना जाता था जो म्यूजिकली है यहाँ पे तुम वीडियोस बनाओ क्या पता तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए वहाँ मज़े मज़े में मैंने एक डांस का वीडियो बनाया था और वो जस्ट वीडियो बना के मैंने छोड़ दिया था घर में किसी को नहीं पता था कि मुझे वीडियो बनाना है और उस वक्त भी मेरे पास में खुद का एक पर्सनल मोबाइल फ़ोन नहीं था किसी और के मोबाइल से वो वीडियो शूट करके मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था जस्ट एक साल निकला कोई अच्छी परसेंटेज नहीं थी आई थिंक उस वक्त सेकेंड डिविजन या थर्ड डिवीजन में पास हुई थी फर्स्ट ईयर के अंदर जहाँ ट्वेल्थ तक मेरी एक अच्छी परसेंटेज थी एट्टी टू सेवेंटी टू परसेंट के साथ में मैं पास हुई थी पापा का कहना था कि तुम अच्छी पढ़ाई करो अच्छी जॉब लगो वहाँ फर्स्ट ईयर में आने के बाद मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका था कि पढ़ाई नाम की कोई चीज़ भी ज़िंदगी में होती है क्या सेकेंड ईयर में कॉलेज में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ लाइफ और फैमिली वालों की ज़िंदगी पूरी चेंज हो चुकी थी मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी लाइफ ख़त्म करनी है उस इंसिडेंट को मैं आ, आपके सामने शेयर नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो जा, कुछ ज़्यादा पर्सनली है तो आ, अपने आप को ख़त्म करने का जो माइंड थाट में आया वो इसलिए नहीं कि मैंने कोई चीज करी है या नहीं करी है वो इसलिए क्योंकि उस जगह पे पापा को शर्मिंदगी फील करवाई गई थी आ, किसी के थ्रू उनको गलत बोला गया था उनके साथ में गलत बर्ताव किया गया था उसकी वजह से सिर्फ मैंने डिसाइड किया था कि अगर बेटी हो तो कोई अच्छी हो मेरी जैसे बिल्कुल भी नहीं उस वक्त ठीक है मैंने अपने आप को उस उन सारी चीजों से अलग किया वहाँ सिचुएशन वही चल रही थी इनकम कहाँ से आएगी पैसा कहाँ से आएगा पापा की दवाइयाँ लानी है वो कहाँ से आएगी या जो चीजें हो रही है फैमिली में वो चीजें कैसे होगी उस वक्त ही मुझे बा, बा, फिर से अपनी किसी फ्रेंड सर्कल से पता लगा कि रतन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से तुम पैसा भी अर्न कर सकती हो और लाइक तुम्हें अगर डांस पसंद है तुम्हें सिंगिंग पसंद है तुम्हें डांसिंग पसंद है तुम्हें एक्टिंग पसंद है तो वहां वो चीज तुम अप्लाई करो और वहां से तुम्हें इनकम अर्न होगी मैंने बिलीव नहीं किया था क्योंकि ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना लाइक like, हम कहीं पे अप्लाई करते तो पहले हमसे वो लोग चार्ज लेते हैं कि अगर तुम्हें डांस सीखना है या करना है तो पहले तुम हमें इसका पेमेंट करो तो मैंने इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया बट फिर फिर भी दोस्तों की बातों में आकर मैंने वीगो प्लेटफॉर्म पे अपने डांस की वीडियोस डालना स्टार्ट किए वो भी क्यों जो टिकटॉक पर मेरा फर्स्ट वीडियो डाला था डांस का वीडियो था वो बहुत अच्छा वायरल हुआ और उस पर जो व्यूज थे वो मिलियंस में थे जो लाइक्स थे वो मिलियंस में थे लेकिन उसमें जो कॉमेंट्स थे वो कमेंट्स ऐसे कि मैं अगर उनको आज भी पढ़ने बैठू तो मेरी आंखों में वो पढ़ते पढ़ते आंसू आते हैं क्योंकि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं मैंने वर्गल ड्रेस नहीं लिया मैंने कुछ गलत उसमें कहा नहीं मैंने अब्यूजिंग नहीं किया मैंने कुछ भी नहीं फिर भी लोग मुझे गलत क्यों कह रहे हैं और जो ट्वेल्थ तक जो मेरे बाल थे वो काफी लंबे थे ट्वेल्थ के बाद में फर्स्ट ईयर में मैंने अपने शॉर्ट ईयर करवाया रीजन ये कि मैंने फर्स्ट ईयर में स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था मेरे पास एन सी एन और स्पोर्ट्स में मेरे पास वॉलीबॉल था तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मैंने अपने इस तरह का गेटअप लिया उसके बाद में धीरे धीरे जो ये चीज़ थी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बाल छोटे रखना तो बहुत दूर की बात है हमें घर में नॉर्मल पैंट शर्ट भी नहीं पहनने दिया जाता था, था लेकिन मैं घर में पैंट शर्ट के साथ में अपने छोटे बालों के साथ में एक बिल्कुल टॉम बॉय की तरह रहती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक्सेप्ट नहीं किया था फैमिली ने मुझे उस 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 वक्त पर और चीज़ें जो थी वो और बिगड़ती जा रही थी मेरा वीडियोस में उतर जाना पापा का मुझसे गुस्सा रहना घर वाले बिल्कुल मुझसे दूर हो जाना कि मतलब ये लड़की हमने इसके बारे में क्या सोचा था ये अच्छी पढ़ाई करेगी ये आगे निकलेगी हमारा समाज में नाम रोशन करेगी वो जो सारी चीज़ें जो मेरी फैमिली ने सेट कर रखी थी वो मैं सब बिगाड़ती जा रही थी क्यों क्योंकि मैं वीडियोस बनाती थी क्यों क्योंकि मैं डांस करती थी क्योंकि मैं एक्टिंग करती थी क्योंकि मैं ये इन सारी चीज़ों में आ गई थी तो लोगों का मेरे फैमिली वालों का हो गया कि हो गया बंटाधार जो हम चाहते थे वो तो कुछ नहीं है अब इसको उतारो शादी के अंदर क्योंकि मेरे बाल छोटे करवाए लिए थे और बाल छोटे करवाने के बाद ये था कि बस अब ये बिल्कुल टोटली हमारे हाथ से निकल चुके हालांकि ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही थी मैं अपनी तरफ से लेकिन उनका माइंडसेट हो चुका था आ, पहली बार ट्वेल्थ के मिड में ही मेरे शादी का उनका प्लान किया था उस वक्त कैंसिल किया फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के मिड में, में मेरा शादी का प्लान किया वो सब कैंसिल किया कैंसिल इसलिए नहीं कि मैं चाहती थी कैंसिल वहाँ क्योंकि मेरे मम्मी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी सही है कहीं कही ना कही, कहीं किसी ना किसी इंसान को आपके बीच में ट्रस्ट होता है वो थी मेरी मम्मी की अगर आगे बढ़ने का मेरा कहीं कही ना कहीं सपोर्ट बना तो वो थी मम्मी मैंने खुद ने अपने फादर से प्रॉमिस किया कि प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दे दो मैं डेफिनेटली अपने आपको प्रूव करके बताऊंगी तो आपका माइंड बिल्कुल चेंज था उसी के बीच में आ, मेरे माइंड में 2017 थाउजेंड के टाइम पे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था वीगो पे जो टाइम था वहाँ से मुझे जो इनकम हो जाती थी पर वीडियो पे 22 30 डॉलर मतलब बहुत कम अमाउंट है लेकिन मेरे लिए उतना मैं सेटिस्फाई थी उसमें ठीक है मेर, मेरा निकल रहा था प्रॉब्लम ये आ रही थी पर मंथ पापा की जो दवाई आती थी वो सात से आठ हजार की आती थी इतनी तो इनकम हो ही नहीं रहती मुझे क्या करना है जिस वक्त मैं जॉब करती थी वहां मेरी सैलरी ही इतनी थी तीन से चार हजार रुपए तो उससे मैं खुद का देखूँ फैमिली का देखूं मेरा छोटा भाई है मैं उसका देखू लोग कहते हैं ना कि हमें ज्ञान देने के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं करना चाहिए तुम इस तरीके से नहीं रहना चाहिए तुम छोटे बाल क्यों रखी हो एक अच्छी फैमिली से हो अच्छी शादी करनी है ज्ञान देने के लिए हजारों लोग आपके सामने आते हैं हजारों लोग पीछे से आगे से आजू बाजू से सब लोग बोलने के लिए आ जाते हैं लेकिन जब इंसान को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जब इंसान को पैसों की नीड होती है या किसी भी तरह की नीड होती है तब कोई इंसान सामने नहीं आता है सेम एक उस एज में मैंने सारी चीजें फेस कर ली थी जहाँ आज की जो मेरी एज है वो घूमने फिरने की अपना लाइफ बिल्कुल इंजॉय करने की ये मेरी एज है मुझे भी मेरा भी ऐसा सपना था कि मतलब लाइक पीछे फैमिली का सपोर्ट होता कहीं तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ करना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें जो करना है वो करो आज मैं अपनी फैमिली को कहती हूं कि आप लोगों को जो करना है करो मैं आपके साथ हूँ कहीं जाना है जाओ मैं यहाँ बैठू आपको जो करना है करो मैंने डिसीजन लिया अपना एक खुद का स्टोर ओपन करने का वो स्टोर ओपन का आइडिया मेरे माइंड में तब आया जब मैं अपने कमेंट्स देखती थी वीडियो की तो वहां लोगों को मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद आता था कि रतन तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है तुमने जो शर्ट पहना है तुमने कहाँ से परचेस किया या तुमने जो ट्राउजर पहना है तुमने जो जींस पहनी है वो तुमने कहाँ से परचेज की तो वो चीज़ मेरे माइंड में क्लिक हुई मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है अक्षिता हाँ हम दोनों ने साथ में मिलकर एक प्लान किया कि ठीक है हम अपना काम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कहाँ से करते हैं तुम्हारे पास पैसे हैं अक्षिता मुझसे छोटी है वो इस चीज में तो मैं हेल्प नहीं कर सकती लेकिन आइडिया मैं आपको बहुत से दे सकती हूँ फैमिली पापा आप मेरे इसमें हेल्प कर सकते हैं पैसा मेरे पास में नहीं है लेकिन जब उन्हें लगा कि हाँ ये कुछ करेगी कुछ कर पाएगी उनका इसमें भी माइंड चेंज कब हुआ जब फैमिली वालों की तरफ से उन्हें उन्होंने रिस्पॉन्स मिलना बंद हो गया कि अगर मेरी महीने की दवाई नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है मेरा मेरे फादर या मेरा कोई और तो इस चीज में सपोर्ट कर सकता है ना लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं था उन्होंने कहा ठीक है तो स्टार्ट कर उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से आई थिंक मुझे याद है उन्होंने 25 से तीस हजार रुपये उन्होंने उधार लिए थे उन्होंने मुझे हाथ में पकड़ा के कहा था कि ये मैं मेरे किसी फ्रेंड से ले रहा हूँ पच्चीस से तीस और ये तुझे अपने काम में इन्वेस्ट करना है और मुझे अमाउंट रिटर्न में चाहिए आज से पंद्रह से बीस दिन के अंदर क्योंकि मैंने अगले से वादा किया है कि मैं आपको अमाउंट दे दूंगा तीस हजार में मुझे एक स्टोर ओपन करना है मुझे रेंट भी देना है उसका मुझे थोड़ा सा इंटीरियर भी डिज़ाइन करना है मुझे कपड़े भी लेके आना है आई थिंक मुझे याद है तीस हजार में मैंने जो अंदर चारों वॉल जो लगवाई थी वो वॉलपेपर जो लगवाया था वो वॉलपेपर भी तीस हज़ार में नहीं हुआ था उसमें भी मेरे को ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ा था लेकिन पता नहीं मैंने कैसे कब कहाँ से किस तरीके से मैंने अपना शॉप बिल्कुल रेडी कर लिया मेरा स्टोर जो था टू के टाइम पे मैंने ये प्लान किया था उससे पहले सेवनटीन एटीन में मेरा आ, फ्रॉम होम से हो रहा था जो मेरा ऑनलाइन काम था वो घर से था उसमें मेरी फ्रेंड मेरे साथ में थी सब कुछ हो गया स्टोर हो गया कपड़े आ गए सारा काम आ, बिल्कुल सेट है कि हाँ अब हा, हा, मुझे ओपनिंग करनी है ओपनिंग करने के जस्ट कुछ दिन आ, ओपनिंग भी नहीं हुई थी ओपनिंग से कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन लग गया और जो लॉकडाउन लगा उस वक्त जो फैमिली की कंडीशन हुई थी उस वक्त का ये था कि अगर सुबह हम खाना खा रहे हैं तो रात को हमें क्या खाना है लाइक like, सुबह का जो बना है उसमें से हम लोग आधा आधा कर लेते हैं हम वो चीज़ रात को खा लेंगे वो चीज हमारा निकल जाएगा उसमें लॉकडाउन uh, के जस्ट बाद में जो मैंने स्टोर ओपन किया था ना उस वक्त भी मैंने लॉकडाउन के टाइम पर उसका रेंट दिया था आप शायद आप लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते कि किस तरीके से मैंने वो चीज़ें मैनेज करी थी लॉकडाउन के जस्ट बाद में मैंने अपने स्टोर की ओपन की और बहुत बेस्ट तरीके से ओपन की 2019 में मेरे पास में एक इवेंट आया वो इवेंट जयपुर से ही था और मुझे नहीं पता था ये इवेंट क्या होता है ना आज तो चलो ठीक है बहुत अच्छे से पता है तो उस वक्त पता नहीं था मुझे इतना पता था कि घर में शादियाँ होती हैं शादी में जाओ डांस करके आओ खा पी के आओ बढ़िया मस्त मजे में ये सारी चीज़ें पता थीं मुझे अक्षिता जैसा कि मैंने बताया कि मेरे साथ में आज भी वो मेरे आ, सपोर्ट में है या फिर मेरे साथ में है मैनेजर मेरी तो उसने मुझे कहा कि रतन एक इवेंट है तो आप उसमें जाना चाहोगे मैंने कहा इवेंट क्या होता है तो उसने मुझे अच्छे से समझाया कि इवेंट इसे कहते हैं मैंने कहा ठीक है हाँ चल जाएंगे तो उस वक्त मेरा ये था वहाँ पे खाने वाने का तो मिलेगा ना मतलब कैसे क्या जाना है उसने मुझे कहा था कि वहाँ अपन को एक एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया है तो सेलिब्रिटी तो मेरी नज़रों में सलमान खान शाहरुख खान ये सारी चीज़ मैंने कहा सल, मैं सल, कि, किस वे में सेलिब्रिटी मतलब मैंने क्या किया ऐसा तो उसने कहा कि वो आपको एज ए इन्फ्लुंसर बुला रहा है उस वक्त तो, आ, मेरे मेरे फॉलोवर्स जो थे जिसे मैं आज अपनी फैमिली कहती हूँ मेरे जो फॉलोवर्स थे वो मुझे पता है दो टू के से कम थे शायद वन के या वन के उस वक्त इतने थे वो मुझे नहीं पता वो क्यों थे मैं सिर्फ डांस की वीडियोज डालती थी तो मुझे उसने कहा कि सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे भी बुलाया मैंने कहा ठीक है चल लेते हैं लेकिन वहाँ पे ऐसे खाने वाने का तो होगा ना मतलब ऐसे भूखे भूखे तो नहीं रहेंगे अपन तो उसने मुझे कहा कि अपन को इस तरीके से वहाँ पे शो नहीं करना है आप वहाँ पे एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट जा रहे हो आपको तो वहाँ पे अच्छे से शो करना है मतलब लोगों से अच्छे से मिलना है बात करना है आप बिलीव नहीं करोगे मैं जब वहाँ गई मैंने जब वहाँ का क्राउड देखा जिन मेरी एंट्री करते वहाँ पे जो तालियां बज रही थी जो रतन रतन चिल्ला रहे थे मुझे वो चीज़ मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैंने इतने कम वक्त में मैंने ये सारे लोग कमाए हैं उस वक्त मेरी नजरें खुली मुझे लगा कि सच में मैंने कुछ किया है और वो उस मेरे फर्स्ट टाइम मेरे फादर मेरे साथ में नहीं थे लाइक वो थे लेकिन वो घर पे थे तो जब वो वीडियो मैंने उनको दिखाया जब वो चीज़ें मैंने वहाँ की फोटोज उनको जो वो दिखाई तो उनका जो नजरिया था लाइक थोड़ा थोड़ा नजरिया उनका भी चेंज हुआ इस चीज़ से कि हाँ ये कुछ कर रही है अपनी जिंदगी में इसे करने दो टू थाउजेंड में मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा खराब हुई उस वक्त भी मेरे पास में इतना इनकम का सोर्स नहीं हो पाया था कि मैं उनका अच्छे से इलाज करा सकूं या कुछ कर सकूं उनकी तबीयत हालांकि उनके ही बचपन से ख़राब थी लेकिन कभी फैमिली वालों ने, ने उन पर ध्यान नहीं दिया उनके एक्चुअली टीबी था जो कि बिगड़ चुका था और वो बिगड़ती बिगड़ती इतना ज़्यादा कि उस वक्त ना मेरे पास अमाउंट था मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स जिन्होंने तो मेरी उस वक्त अमाउंट की हेल्प की लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो सकता था और दस दिन फादर के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में ग्यारहवें दिन वो जा चुके थे उनका जो जाते जाते भी जो उनका कहना था वो ये था कि मुझे आज भी तुझ पर ट्रस्ट है मैंने कभी तेरा गलत नहीं चाहा मुझे पता था कि तू तो अपनी लाइफ में सब सही करेगी सब कुछ सही जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली की बातों में आता था तेरी मम्मी को अगर मैं कुछ कहता तो वो सिर्फ उनकी वजह से लेकिन जो चीज़ें आखिरी में समझ क्योंकि मुझे आज भी याद है कि फैमिली वाले उन्हें कहते थे कि अपनी बेटी का खा रहा है जो बेटी का मारी है तू उनका खा रहा है जो चीजें हो रही है मतलब मुझे नहीं पता किसी की फैमिली इतनी इतनी डाउन कैसे जा सकती है लेकिन मेरे फादर की तबीयत खराब रहती थी वो ऑक्सीजन पे रहते थे हम उनको सामने से देखते थे मम्मी मैं मेरे भाई हम चारों बैठ के रोते थे कि अब हमें क्या करना है और फैमिली उस वक्त मजे कर रही होती थी जो मेरी फैमिली के मेम्बर है वो मूवी देखने जा रहे हैं होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो वो चीज़ मुझे पता है कि मैंने वो किस तरीके से फेस की वहाँ मुझे कमज़ोर पड़ने से बेटर लगा स्ट्रॉन्ग बनना मैं रोती नहीं थी उस वक्त मुझे पता था जो करना है वो मुझे करना है मम्मी बाहर नहीं निकल सकती है भाई छोटा है इसकी स्टडी मुझे करवानी है पापा को मुझे संभालना है सब चीजें बहुत अच्छे से मैनेज की आ, वो दो दो हजार इक्कीस था वो टाइम ऐसा था जहां मुझे लगा कि मैं कहा से पैसा लेके आऊ मैं कहा से इनको ठीक करू मतलब मांगने से बेटर मैंने समझा कि अब जो चीज हो रही है ना उसे होने दो ग्यारहवीं दिन पापा हम सबको जोड़ के जा चुके थे और सब कुछ मुझे लगा कि मुझसे सब कुछ जा चुका है मेरे पास कुछ भी नहीं है जो चीजें कर रही हूँ किसके लिए करूं जो चिन्ह मेरी लाइफ में हो रही है वो किसके लिए हो रही है पीछे वो मुझे जिम्मेदारी देके गए कि तेरी मम्मी और तेरा भाई तुझे इन दोनों का ध्यान रखना है बस फिर से अपने आप को पॉजिटिव किया ठीक है अब जो करना है वो इन दोनों के लिए करना है कभी बचपन से लेकर आज तक अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं मेरे लिए क्या करूँ मुझे ये करना है मुझे वो करना है हर इंसान अपना सोच के चलता है कि अगर मैं कमा रहा हूं तो उसमें से कुछ मेरा होगा मैं उसका ये करूंगा मैं उसका वो करूंगा मैंने हमेशा से बचपन से भी पापा को सोचा उनके जाने के बाद अपने मम्मी और भाई का सोचा कि अब जो चीजें हो रही है वो उन दोनों के लिए हो रही है फिर से अपने आपको पॉजिटिव किया अपना स्टोर ओपन किया आज मेरे दो स्टोर हैं जयपुर में जो मेरा स्टॉक जाता है आउट ऑफ इंडिया भी जाता है तो मतलब चीजें हो रही है लेकिन जिस तरीके से की वो मुझे पता है कि क्या था तो दुनिया आपके अपोजिट हो शायद घर वाले भी आपके अपोजिट हो जाए चाहे दोस्त भी आपके अपोजिट हो जाए लेकिन अपने को इतना स्ट्रांग बना के रखो अपने आप पे इतना विश्वास रखो कि जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना जो नहीं हो सकती ना वो मैं करके दिखाऊंगी लोग आज भी गालियाँ देते हैं लोग आज भी मुझे मेरी ड्रेसिंग सेंस से मेरे छोटे बालों से मुझे जज करते हैं लेकिन मुझे पता है मेरी मम्मी को पता है मेरे भाई को पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ किस तरीके से कर सकती हूँ आज वो कर रही हूँ और जो मुकाम मुझे हासिल करना है मेरे भाई और मम्मी के लिए वो मैं करके रहूँगी और इसी तरीके से थैंक यू इट इज़ सेट दैट वेन यू एजुकेट वुमेन यू एजुकेट इन इंटायर जनरेशन नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने सी एस करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिलकर स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग एप स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें